और भाई लोग, क्या हाल है? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसके कारण आपके बाइसेप्स या आपके पूरे आर्म्स का साइज नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये गलतियां मैंने भी अपने बिगनिंग फेज में करी थी। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इसको जैसे ही हम अपने रूटीन से हटाएंगे, आर्म्स का साइज खुद ब खुद बढ़ जाएगा। देखो, इतने टाइम से आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई तो रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से आर्म्स का साइज रुक गया है। 13 इंच पे, 14 इंच पे, जो भी, वहां पे क्यों रुक गया? आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम अवॉइड कर रहे हैं? आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले। पूरी देखना वीडियो को, क्योंकि मुझे 100% पता है कि ये गलतियां कहीं ना कहीं आप भी कर रहे होंगे। सीधा टॉपिक पे आते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले मिस्टेक के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम जिम जाते हैं ना, वार्म अप करते हैं, अगर आपके बाइसेप का साइज मान लो अच्छा खासा ग्रो हो चुका है, तो एक टेंडेंसी बन जाती है कि वार्म अप के टाइम पे भी हम कोई रॉड उठा के और इजेड बार, कर्लिंग, जो भी आपको पसंद है वो वर्कआउट करते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। मैं बताता हूँ कैसे। मसल कभी भी रिपेयर कैसे होता है ये समझो। जब भी मसल्स को आप ट्रेन करते हो, एक ड्यूरेशन होता है, एक विंडो होता है स्पेसिफिक, जिस टाइम पे उसको रेस्ट देना होता है। अगर आप वार्म अप के टाइम पे वापस से कुछ भी कर रहे हो, बाइसेप लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मसल ना वापस से एक्टिव हो जा रहा है। वो अगर एक्टिव स्टेट में चला गया है, उसको रेस्ट नहीं मिल पा रहा, यही कैच है। और रेस्ट नहीं मिल पा रहा तो जिस तरीके से रिपेयर होना चाहिए मसल्स को, वैसे रिपेयर नहीं होगा। सो ये मिस्टेक आपको सबसे पहले अपने रूटीन से हटाना है। वार्म अप आप करते हो तो कंपाउंड मूवमेंट वाला वार्म अप करो, जैसे आप पुशअप्स वगैरह लगाते हो, लिमिटेड। ऐसा नहीं कि बस पुशअप्स भी वार्म अप में कर रहे हो तो 50-50 पुशअप्स मार रहे हो, फिर तो बात वही होगी कि आप पूरे चेस्ट का वर्कआउट करोगे। चिनअप्स का भी वही सीन है, बहुत लिमिटेड करना चाहिए। सिर्फ इतना कि एक मैसेज चला जाए हमारे टिश्यूज को, बॉडी में, कि हाँ वर्कआउट होने वाला है, लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो। दूसरी बात, यह भी बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं, बाइसेप को हफ्ते में 3-3, 4-4 बार ट्रेन करते हैं यार लोग। भाई ये छोटा मसल पोर्शन है, मैंने पहले भी समझा रखा है। ऐसा करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे, देखो उस समय वर्कआउट करते वक्त तो पंप फील होगा आपको, टू बी ऑनेस्ट। मुझे भी होता था, मुझे लगता था यार डेली वर्कआउट के बाद जाके वो जो क्या कहते हैं उसको, नीचे से, हाँ ये कर्लिंग जो होता है क्लोज वाला, ये मैं लगाता था। हाँ तो देखो, आइसोलेट मूवमेंट होता है, पंप बहुत सही आता है, हमें लगता है ओ हो मजा आ गया यार, अब तो भाई साहब बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर से वही दिक्कत हो रही है ना। यहाँ पे छोटा मसल पोर्शन है, उसको रेस्ट नहीं मिल पा रहा, टिश्यूज ब्रेक हो रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि रिपेयर प्रोसेस सही तरीके से काम नहीं करता। और यहाँ पे आपका जो मसल है वो बनने के जगह और ब्रेक हो रहा है, टिश्यूज रिपेयर नहीं हो रहे, आप मसल टिश्यूज को डैमेज कर सकते हो। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके ग्रोथ के रुक जाने का। तीसरा, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज को जब हम प्लान करते हैं तो हम यूट्यूब पे देखते हैं टॉप फाइव बिग बाइसेप वर्कआउट, और हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। पर आपको ये देखना है कि अगर आपका बाइसेप है, उसका कौन सा पोर्शन है, कौन सा पार्ट है जो अंडर डेवलप्ड है और कौन सा है जो अच्छा डेवलप्ड है। सबका अलग अलग होता है, किसी के बाइसेप पीक अच्छा होता है, लेंथ नहीं होता। तो आपको अपने ट्रेनर से कंसल्ट करना है, ऑनलाइन ट्रेनर या जो भी है, कि सर मेरा बॉडी टाइप ऐसा है, मेरे बाइसेप का कंडीशन ऐसा है, तो मेरे लिए कौन सा वर्कआउट सूटेबल होगा। अगर आप बिगनर हो और आपको बाइसेप्स में अच्छा ग्रोथ चाहिए, तो मैं बोलूंगा कंपाउंड मूवमेंट वाले एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करो। जैसे कि हम पुलअप्स लगाते हैं ना, इसमें पूरा पोर्शन एक्टिव होता है, और मैंने तो बहुत ही पुलअप्स स्टार्टिंग में अच्छे से किया था, सच बता रहा हूँ, मेरे ट्रेनर ने मुझे बता रखा था। कई लोग ऐसा करते कि सिर्फ आइसोलेट मूवमेंट पे फोकस करते, सिर्फ आइसोलेट मूवमेंट पे फोकस करोगे तो जो एक ओवरऑल ग्रोथ होगा मसल्स का वो रुक जाएगा। और आइसोलेट मूवमेंट में आप देखो, जैसे आप कंसंट्रेशन लगा रहे हो मान लो, तो उसमें ना वेट जो है आप एक लिमिट तक ही उठा पाओगे। कंपाउंड मूवमेंट में आप क्या करते हो, पूरे बॉडी वेट को खींचते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा पोर्शन है ये एक्टिव होता है। ये टॉप 3 मिस्टेक्स है जो ज्यादातर मतलब बिगनर इंटरमीडिएट लेवल के बॉडी बिल्डर्स भी करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन 3 चीजों को आप जैसे ही अवॉइड करते हो, एक अच्छा वर्कआउट रूटीन बनवाते हो अपने लिए, बाइसेप्स के लिए, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, विदिन 2-3 वीक आपको ऐसा लगेगा कि जिस पोर्शन पे ग्रोथ नहीं था बाइसेप का, उस पे भी ग्रोथ होना शुरू हो गया है। सो गाइज, टू बी ऑनेस्ट, ये चीजें मैंने फेस करी है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। बाकी बाइसेप्स का जहां तक वर्कआउट रूटीन की बात है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि मेरा करंट कंडीशन ऐसा है, पिक्चर्स के साथ। क्या बोल रहे हो भाई, तो गाइज ये 3 मेजर मिस्टेक्स है जो ज्यादातर लोग करते हैं, मैं भी करता था,
जब मैंने उन गलतियों को सुधारा तो आज आप देख सकते हो कि ये जो बाइसेप का साइज है ठीक ठाक ग्रो हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा नेक्स्ट लेवल है ऑब्वियसली, बट भाई 31 कमर के साथ अब इतना साइज तो मुझे ठीक लगता है। एनीवेज अब बोलो ये अपनी बड़ाई कर रहा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ठीक है। बाकी तो आप लोग बताओगे कमेंट्स में कैसी लगती है आपको मेरी बॉडी। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वंस अगेन आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है बिकॉज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, बट फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। मैंने देखा कि कई लोग यार वीडियो देख के जाते सब्सक्राइब नहीं करते, कोई बात नहीं तुम देख के भी जा रहे हो भी अपने लिए बहुत है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय।